नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मंगोलपुरी पुलिस ने नाबालिग सहित दो बदमाशों को धर दबोचा। दिल्ली के आउटर जिले के मंगोलपुरी थाने के कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए दो मोबाइल छीनने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चार मोबाइल और एक बटन दबाकर चलने वाला चाकू भी बरामद हुआ है। आउटर डीसीपी जिम्मी चिराम के अनुसार 13 जनवरी को PCR कॉल पर सूचना मिली थी कि शकुर बस्ती इलाके में दो लोगों को पकड़ा गया है, जो चोरी किए हुए फोन के साथ भाग रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। एक आरोपी का नाम रतन है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग है, अभी महज 17 वर्ष का है। पीड़ित सरोज वर्मा ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त सुरेंद्र कुमार के साथ मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र 2 के रेलवे लाइन पर मोबाइल चला रहा था, तब पीछे से आए दो लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। एक लड़के ने सरोज की गर्दन पर चाकू रखा और दूसरे ने सुरेंद्र का गला दबाकर उनका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद दोनों लड़के शकुर बस्ती की तरफ भाग गए। जब शोरगुल मचा तो वहां से गुजर रहे तो पुलिसकर्मियों ने दोनों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। इस मामले में आरोपी पर विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे छीने गए फोन और एक अन्य फोन तथा चाकू भी बरामद किया गया है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।